हर स्टूडेंट बेस्ट कॉलेज से डिग्री लेना चाहता है ताकि उसे मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज भी बेस्ट ही हो। ऐसे में बात जब इंजीनियरिंग की आती है तो दुनिया के टॉप कॉलेजेस में शामिल MIT का नाम जरूर आता है, जिसे दुनिया में इंजीनियरिंग का बेस्ट कॉलेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि अक्सर ये कॉलेज रैंकिंग में नंबर 1 पर ही रहता है। ऐसे में आपके लिए MIT के बारे में जानना काफी फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग का बेस्ट कॉलेज कैसा है, उसकी फैसिलिटीज कैसी है, उसका मोटो और पर्पस क्या है, ये सब आपको भी पता होना ही चाहिए ताकि आप भी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन का इरादा बना सके और उसके लिए सही डायरेक्शन में एफर्ट्स भी कर सके। इसलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको MIT के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको ये भी पता चल सके कि एक कॉलेज चुनते टाइम आप उसे किस क्राइटेरिया पर परख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं MIT के बारे में। MIT की फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना 1861 यानी कि 1861 में हुई। इस इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट लियो राफेल रीफ हैं। ये इंस्टीट्यूशन USA की मैसाचुसेट्स स्टेट की कैम्ब्रिज सिटी में लोकेटेड है, और आपको पता होना चाहिए कि कैम्ब्रिज अपने आप में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का मोस्ट वाइब्रेंट हब है। इस यूनिवर्सिटी का मोटो है माइंड एंड हैंड, और कितने ब्रिलियंट माइंड्स इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहे हैं ये जानने के लिए आपको बताते हैं कि 97 नोबेल प्राइज विनर्स इस कैंपस की शान है। इस यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज 168 एकड़ है, और इस बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का 26 एकड़ एरिया प्लेइंग फील्ड्स का है, तो इसमें गार्डन्स की भी कमी नहीं है। इसमें 30 से भी ज्यादा गार्डन्स है, यानी ये इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को किताबों और लेबोरेटरीज तक ही सीमित नहीं रहने देता, बल्कि नेचर के क्लोज रहने और माइंड को रिलैक्स करने की फुर्सत भी देता है। इस कैंपस में स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, तभी तो MIT में फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए लगभग 450 को करिकुलर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, जो आउटिंग क्लब, डिबेट टीम, FM लोकल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, स्टूडेंट आर्ट एसोसिएशन, डांस, चेस और स्ट्रेटेजिक गेम्स में इंटरेस्टेड ग्रुप्स जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती है। MIT अपने एक्सक्लूसिव स्टडी पैटर्न के लिए जाना जाता है। इस इंस्टीट्यूशन का प्राइमरी पर्पस ऐसी टीचिंग और रिसर्च वर्क करना है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से मैच करती हो और जिसके जरिए सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर किया जा सके। इस कैंपस में ऐसे ग्रेट स्कॉलर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जो अपने आप में बेस्ट हैं और यहाँ पर अपनी सर्विस देकर इसे द बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाते हैं। ये ऐसा इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साबित हुआ है जिसने टीचिंग में रिसर्च को शामिल किया ताकि सिर्फ किताबों को पढ़ाने की बजाय रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, और इस तरह लर्निंग के एकदम नए और अनोखे तरीके के लिए जाना जाने लगा MIT का कैंपस। साल 2019 से 2020 में यहाँ पर पढ़ने वाले 11,520 स्टूडेंट्स में से 458 इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे और 2,873 इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 50 स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, 4 टेरिटरीज और 129 यानी कि 129 फॉरेन कंट्रीज से आए थे। MIT अपने सभी अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स और उनकी फैमिलीज को ऑन कैंपस अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है। इसके फर्स्ट ईयर के सभी UG स्टूडेंट्स को कैंपस में ही रहना होता है। MIT फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। MIT की एक साल की ट्यूशन और फीस लगभग $53,818 है। इस इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज और रिसर्च वर्क को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर तैयार करते हैं, और इस तरह इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनकर ही यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके लगभग 13,000 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें से लगभग 1,100 प्रोफेसर्स हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ये यूनिवर्सिटी किस लेवल पर रिसर्च करती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर साल इसका रिसर्च एक्सपेंडिचर्स $700 मिलियन से भी ज्यादा होता है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जैसी गवर्नमेंट एजेंसी से भी फंडिंग मिलती है। यहाँ अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स को अपने टीचर से एडवाइजर, मेंटोर, कोच की तरह गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है ताकि वो हर कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जान सके और एक नया क्रिएशन तैयार कर सके जो न केवल उन्हें एक्सपर्ट बनाता हो बल्कि सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता हो। ये इंस्टीट्यूट 54 मेजर प्रोग्राम्स चलाता है और 58 माइनर प्रोग्राम्स चलाता है।
ये इंस्टीट्यूशन बैचलर कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज, साइंस बिजनेस कोर्सेज ऑफर करता है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पर फोकस करने वाली MIT 5 स्कूल्स में डिवाइडेड है और MIT के 5 स्कूल्स और एक कॉलेज ये है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ साइंस, MIT स्टीफन ए शॉजरमैन कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग। इन स्कूल्स में ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज के बारे में बात करें तो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, मीडिया आर्ट्स एंड साइंसेज, MAS मास और अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज ये हैं, एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डेटा सिस्टम्स एंड सोसाइटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग एंड साइंस और न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, कंपैरेटिव मीडिया स्टडीज राइटिंग, इकोनॉमिक्स, ग्लोबल स्टडीज एंड लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज प्लस इंजीनियरिंग साइंस, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, म्यूजिक एंड थिएटर आर्ट्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। आगे MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ऑफर किए जाने वाले कुछ कोर्सेज ये हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA, मास्टर ऑफ फाइनेंस यानी कि MFIN, मास्टर बिजनेस एनालिटिक्स, बैचलर फाइनेंस, बैचलर एनालिटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज। अब स्कूल ऑफ साइंस में ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, बायोलॉजी, ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंसेज, केमिस्ट्री, अर्थ एटमॉस्फेरिक एंड प्लैनेटरी साइंसेज, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। MIT एंटरप्रेन्योर्स, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स और टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन और ऑन कैंपस मोड में एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है। MIT से एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट को इन टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज से जॉब ऑफर मिलते हैं, गूगल, वराइजन, एमेजॉन, शेवरॉन कॉर्पोरेशन, अर्नस्ट एंड यंग, डेल, इंटेल, एक्सॉन, डेलॉयट कंसल्टिंग एंड मेनी मोर। इस यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर्स में मिलने वाली एवरेज सैलरी की बात करें तो MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन करने वाले स्टूडेंट को एवरेज सैलरी 1,25,000 US डॉलर मिलती है और मास्टर्स इन लीडर्स फॉर ग्लोबल ऑपरेशंस के कैंडिडेट को 1,27,869 US डॉलर एवरेज सैलरी मिलती है। वहीं MBA स्टूडेंट की एवरेज सैलरी 1,25,000 US डॉलर होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको MIT के बारे में सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा और आपको पसंद भी आया होगा। और इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा ये जानने के लिए आपको MIT के अगले वीडियो का वेट करना होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना मिस करें, ताकि ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ मुलाकात होगी आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।